हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विटारा वीरिजा डीजल वेरिएंट के बारे में। इस गाड़ी में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जब भी हम इसका सेलअप लेते हैं या इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें लॉक क्रैकिंग होने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और काफ़ी लंबा सेलअप लेती है। कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कभी कभी तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा खड़ साउंड आ रहा है। और गाड़ी हमारे पास टोचनो की आई है, तो मैं एक बार इसमें आपको प्रॉब्लम बताता हूँ और इसका साउंड सुन के और उसको स्कैनिंग करने के बाद मुझे पता चला है कि इसके अंदर टाइमिंग चेन की वो है प्रॉब्लम। इसकी टाइमिंग लूज हो गई चेन और गाड़ी भी 1,80,000 के समथिंग चल गई, जबकि इसकी टाइमिंग चेंज होनी थी 1,00,000 किलोमीटर पे। कंपनी के अनुसार इसकी टाइमिंग चेंज होती है, तो इसको हम डायग्नोस करते हैं और आपको प्री प्रोसेसिंग बताता हूँ मैं। और अगर ये टाइमिंग चेन चलते चलते टूट जाती है, गाड़ी में काफ़ी लंबा खर्चा हो सकता था। पर जैसे साउंड आया तो कस्टमर ने गाड़ी बंद की और हमसे बात की और गाड़ी को टॉर्चन करके वर्कशॉप ले आया और आपको मैं एक बार स्टार्ट करके और इसका साउंड भी बता देता हूँ। प्रोसेस देखने के लिए कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, है विटारा वीरिजा डीजल वेरियंट, एवर में आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। लॉन्ग सेलअप और इंजन में साउंड भी है। अभी तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें काफ़ी इंजन का साउंड था, तो जो साउंड था मुझे वो टाइमिंग का लग रहा है। तो मैं इसकी टाइमिंग चेक करते हैं एक बार, आपको पहले इसको स्टार्ट करके भी मैं बता देता हूँ। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, स्टार्ट हो गई, चेक इंजन लाइट आ रही है और इंजन का साउंड होता था एक बार आपको। तो कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है, टक 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 साउंड आ रहा है ना, वो टाइमिंग चेन का साउंड है। तो हम इसके पहले टाइमिंग चेन चेक करेंगे, उसके पहले एक बार हम गाड़ी को स्कैनिंग करके देख लेते हैं और कोई तो फॉल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग चेन खोलने के लिए सबसे पहले हम बैटरी का नेगेटिव वायर हटा देंगे, उसके बाद में इसका फिल्टर हटाएंगे, फिल्टर बॉडी हटाएंगे, माउंटिंग हटाएंगे। माउंटिंग हटाने के बाद ये जो माउंटिंग है ना, इसको इसकी प्लेट हटाने के बाद पीछे इसकी एक प्लेट है, उसको खोल के हम देखेंगे इसकी टाइमिंग कितनी वीक है। उसके देखने के बाद में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि टाइमिंग में दिक्कत है, वैसे लग रही टाइमिंग में ही है। तो इसकी पूरी फिटिंग ओपन करता हूँ मैं और आपको एक बार प्लेट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर की फिटिंग लगभग खोल दी है और इसकी माउंटिंग हटा दी है। अब आपको बताता हूँ टाइमिंग वीक कैसे चेक करें। आवाज़ से हमें समझ में ना आई तो ये देख सकते हो आप टाइमिंग, ये प्लेट खोल दी है। ये देखो, ये टेंशनर है ना, कितना बार निकल चुका है। और एक मिनट, चेन भी आपको बताता हूँ, ऐसे ही हाथ से ली जाए। ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी टाइमिंग इसकी, कभी भी टूट सकती है। मतलब 150 किलोमीटर चलने पे गाड़ी की टाइमिंग टूट जाती और इसमें लंबा खर्चा हो जाता। उससे पहले कस्टमर ने रोक के गाड़ी हमारे पास टोक के आई थी। तो ये प्रॉब्लम है इसकी टाइमिंग, कवर, वाटर पम्प, टेंशनर और इसके सब हटा के इसकी टाइमिंग एक बार मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। तो प्री प्रोसेसिंग देखने के लिए कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी कंप्लीट टाइमिंग चेन यहाँ से रिमूव कर ली है। इसके ओल्ड वाला सामान टोटल, चेन, इस पॉकेट, चेन गाइड और इसका टोटल सामान हमने जीनियल लिया है। ये देखो, सब MGP का है सब, दोनों इस पॉकेट सब, और जो सील डालेंगे वो भी ओरिजिनल है। बाकी इसका पंप का गैस किट है वो सही है, तो हम ओल्ड वाला ही रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसका टाइमिंग चेन इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो पहले मैं आपको लॉक बता देता हूँ कहाँ कहाँ से लॉक होगी। एक तो फ्लाई व्हील से नीचे इसकी तरफ बता देता हूँ कहाँ से टाइमिंग इसकी लॉक होगी। ये यहाँ पे फ्लाई व्हील पे लॉक होती है इसकी टाइमिंग। और एक कैम पे एडजस्ट कैम का यहाँ आता है, ये रहा, इसमें स्लॉट है। और इंटेक कैम के इसके जस्ट पीछे आता है, तो इंटेक कैम की ज़रूरत नहीं है, एक कैम से इसकी टाइमिंग मिला देंगे यहाँ से। बाकी पहले मैं इसकी टाइमिंग लेता हूँ एडजस्ट कैम की। अभी टाइमिंग पे नहीं है फ्लाई व्हील, तो टाइमिंग पे कैम टाइमिंग पे नहीं है, तो हम इसको घुमा के इसके एडजस्ट कैम भी टाइमिंग लेते हैं, फिर इसकी टाइमिंग चेन इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके कैम भी टाइमिंग पे ले लिए, ये देख सकते हो आप, स्लॉट है अंदर। इसका स्पेशल टूल आता है, अगर स्पेशल टूल नहीं है तो हम 10 की एलंकी की मदद से भी इसको लॉक कर सकते हैं ऐसे। ये देखो, लॉक हो गया एकदम बढ़िया, अंदर जाके फिक्स लॉक होता है। बाकी हम इसकी टाइमिंग चेन अब इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कंप्लीट टाइमिंग चेन इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, कैम को लॉक कर दिया है यहाँ से।
क्रेन को हम नीचे फ्लाई व्हील से लॉक करते हैं। अभी आपको एक बार और लोकेशन बता दूंगा, बाकी चेन फिटिंग की प्रोसेस बता दूं आपको। ये चेन का कलर कोड है ना हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, और जो इस पॉकेट के ऊपर ये पंच आते हैं ना, ये भी बाहर की तरफ रहेंगे। नीचे वाले के भी देख लो आप, बाहर की तरफ है। और ये इसका चेन गाइड है, ये चेन गाइड है, और इसका ये टेंशनर है जो हाइड्रोलिक टेंशनर आता है। ये टोटल सामान हमने न्यू लिया है, ये किस के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। बाकी इसकी गैसकेट पैकिंग पहले हम वही ले रहे थे, वो एक जगह से ख़राब थी, वो भी न्यू डाल रहे हैं हम MGF की। बाकी एक बार आपको क्रेन की लोकेशन और बता दूँ लॉक की। ये देखो यहाँ से पेस्पकस लगा हुआ है फ्लाई व्हील पे, यहाँ से इसकी क्रेन लॉक होती है, और यहाँ पे इसकी कैम लॉक होती है। इन दोनों की स्पेशल टूल आती है। बाकी हम इसके ये तो 10 नंबर की अलंकी से लॉक कर सकते हैं, और वो पेचकस से लॉक कर सकते हैं। लॉक बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब इसका हम ये इसकी लॉक हटा देंगे। ये देखो पहले कितना वायर था लूज़ होने पे, अभी देखो एकदम परफेक्ट है। बाकी अब इसका ऑयल पंप लगा के इसकी फिटिंग कंप्लीट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी कंप्लीट फिटिंग कर दी है, टोटल बैटरी वायर लगा दिया, एयर फिल्टर कंप्लीट फिटिंग, नीचे वीचे सब कुछ। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो स्टार्टिंग भी परफेक्ट है, चेक इंजन लाइट नहीं है। एक बार आपको साउंड भी बता देता हूँ कैसा गाड़ी का साउंड है। साउंड भी एकदम गाड़ी का परफेक्ट है। तो यही प्रॉब्लम थी कि गाड़ी की जो चेन थी ना लूज होने के कारण इसका 80 kV सेंसर का वो कोड आ रहा था, और लॉन्ग स्टार्टिंग थी, और आवाज़ टाइमिंग चेन की थी। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।